मुझे लगता है कि नीतीश जी की सरकार और नीतीश जी चाहे उनके टीम के उप मुख्यमंत्री बागेश्वर बाबा के हनुमंत कथा में आयोजक ने अपना फर्ज पूरा किया। जो ना आए वो उसकी मर्जी, लेकिन आयोजक को थोड़ी भूल हो गई। आयोजक को पता होनी चाहिए ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। वो हनुमंत कथा को, हनुमंत कथा में वोट नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जनता का काम, इफ्तार जब होता है उस समय जनता का काम होता है, लगता है जिस समय पूरी टोपी और चादर लेके जाते हैं उस समय तो राज्य की जनता देखती है कि कितना जनता का काम होता है। एक सरकार तुष्टिकरण की सरकार है, ये सरकार मुस्लिम प्रस्त सरकार है, ये सरकार इस्लामिक स्टेट को मानने वाले लोगों के समर्थन की सरकार है। मुझे लगता है कि ये सरकार वही है आज जो कर्नाटक में हुई। देश की जनता, कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो मुझे याद आ गया अपना बिहार बाय इलेक्शन अररिया का। जब रिजल्ट के बाद यहाँ भी जिंदाबाद, यहाँ भी फुलवाड़ी में PFI 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी योजना बना रही थी। यही नीतीश कुमार की कामकाजी सरकार है।